संसार के कण कण में व्याप्त गुरु तत्व को मेरा कोटान कोट नमन, कोटान कोट वंदन। गुरु का कोई धन नहीं होता, गुरु की कोई विशेष पोशाक नहीं होती, गुरु का कोई विशेष शरीर नहीं होता। गुरु सृष्टि में पहले भी थे, गुरु आज भी हैं और गुरु हमारे बाद भी रहेंगे। हम जब अपनी यात्रा पर चलते हैं तो कई बार हमें खुद ही इस बात का संशय होता है कि हमारी यात्रा आगे चल रही है या नहीं चल रही, हमें कुछ अनुभव नहीं हो रहे या इस तरह से कई चीज़ें अपने मन में आती हैं। तो ऐसे ही आज मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें ओशो का वीडियो था, जिसमें उन्होंने संकल्प की शक्ति के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारा रोम रोम उस चीज़ के लिए प्रार्थना करें जो हम अपने गुरु से चाहते हैं। और उन्होंने इसका तरीका बताया जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा मुझे आपके साथ उसे शेयर करना चाहिए। तो आप भी देखिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि मैं आपको गुरु बदलने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रही, क्योंकि सृष्टि में जो गुरु जिसके जीवन में आया है वो ही निश्चित किया गया है उसके लिए। तो हमारी अपनी अपनी यात्रा अपने अपने तरीके से निश्चित है, हमें सिर्फ उस पर चलना है। सीखने समझने के लिए यदि कोई चीज़ मिलती है तो हमें उसका भी भान रखना चाहिए और आजमा कर देखना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें अपनी यात्रा की सफलता के लिए प्रयास जरूर करते रहना चाहिए। तो आप भी इस वीडियो को देखें, आपको आनंद आएगा। और इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने सफर में व्यस्त रहें। उटान को नमन। संकल्प की प्रगाढ़ता कैसे पैदा हो, वो मैं छोटा सा प्रयोग आपको करता हूँ, वो हम अभी यहाँ करेंगे और फिर उसे हम रात्रि में नियमित करके उसे सोएंगे। ये अद्भुत प्रक्रिया है, इसके माध्यम से आपके अचेतन परतों में विचार प्रविष्ट होगा, संकल्प प्रविष्ट होगा। रीढ़ सीधी कर लें, सारे शरीर को आराम से छोड़ दें, रीढ़ सीधी हो और शरीर आराम से छोड़ दें। आंख बंद कर लें, बहुत शांति से श्वास को अंदर लें, श्वास को पूरा गहरा अंदर ले जाएंगे। जब श्वास अंदर जाने लगेगी तब मन में ये भाव करेंगे कि मैं संकल्प करता हूं कि मेरा ध्यान में प्रवेश होकर रहेगा, मैं ध्यान में प्रविष्ट होऊंगा। इस भाव को करते रहेंगे जब श्वास अंदर जाएगी और पूरे फेफड़ों में भरेगी, पूरी भर लेनी है जितनी आपसे बन सके। फिर उसे एक सेकंड, दो सेकंड, जितनी देर आप रोक सकें रोके रखना है। जब श्वास को आप ले जाते हैं पूरा ले जाएं, फिर उसे थोड़ी देर रोके। जिन्हें योग ने पूरक, कुंभक और रेचक कहा है वही प्रक्रिया है। श्वास को पूरा अंदर ले जाएं, फिर उसे रोकें और इस पूरे वक्त संकल्प करते रहें, मन में वही संकल्प गूंजता रहे। फिर पूरी श्वास को बाहर फेंकें, मन में वही संकल्प गूंजता रहे। फिर थोड़ा रुकें और मन में वही संकल्प गूंजता रहे। ऐसे झटके से नहीं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता पूरा फेफड़ा भर लेना है। जब आप फेफड़ों को भरेंगे तब आप स्वयं अपने मन में दोहराते रहेंगे कि मैं संकल्प करता हूं कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। इस वाक्य को आप दोहराते रहेंगे। फिर जब श्वास पूरी भर जाए आखिरी सीमा तक, तब उसे थोड़ी देर रोकें और अपने मन में ये दोहराते रहें। घबराहट बढ़ेगी, मन होगा बाहर फेंक दें, तब भी थोड़ी देर रोकें और इस वाक्य को दोहराते रहें। फिर श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें, तब भी वाक्य दोहरता रहे। फिर सारी श्वास बाहर निकालते जाएं, आखिरी सीमा तक लगे तब भी निकाल दें, तब भी वाक्य दोहरता रहे। फिर अंदर जब खाली हो जाए उस खालीपन को रोकें, श्वास को अंदर न लें, फिर दोहरता रहे वाक्य अंतिम समय तक, फिर धीरे धीरे श्वास को अंदर लें। ऐसा 5 बार, यानी एक बार का मतलब हुआ एक दफा अंदर लेना और बाहर छोड़ना, एक बार। इस तरह 5 बार क्रमशः धीरे धीरे सब करें। मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा, मेरा संकल्प है कि ध्यान में प्रवेश होगा, मेरा संकल्प है कि ध्यान में प्रवेश होगा। पूरे प्राणों को संकल्प करने दें।
प्रवेश करके रहूंगा। मेरा संकल्प है कि ध्यान में प्रवेश होगा। मेरा संकल्प है कि ध्यान में प्रवेश होगा। पूरे प्राणों को संकल्प करने दें। मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। मेरा संकल्प है कि ध्यान में प्रवेश होगा। मेरा संकल्प है कि ध्यान में प्रवेश होगा। पूरे प्राणों को संकल्प करने दें। मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। मेरा संकल्प है कि ध्यान में प्रवेश होगा। मेरा संकल्प है कि ध्यान में प्रवेश होगा। पूरे प्राणों को संकल्प करने दें। मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। मेरा संकल्प है कि ध्यान में प्रवेश होगा। मेरा संकल्प है कि ध्यान में प्रवेश होगा। पूरे प्राणों को संकल्प करने दें। मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। मेरा संकल्प है कि ध्यान में प्रवेश होगा। मेरा संकल्प है कि ध्यान में प्रवेश होगा। पूरे प्राणों को संकल्प करने दें। ध्यान में प्रवेश होगा। पूरे प्राण में ये बात गूंज जाए, ये अंतश्चेतन तक उतर जाए। पांच बार आपका हो जाए तो फिर बहुत आहिस्ता से बैठ के शांति से रीढ़ को सीधा रखे हुए ही धीमे धीमे श्वास को लें, धीमे छोड़ें और श्वास को ही देखते रहें। पांच मिनट विश्राम करें। उस विश्राम के समय में जो संकल्प हमने किया है वो और गहरे अपने आप डूब जाएगा। पांच बार संकल्प कर लें, फिर चुपचाप बैठ के श्वास को देखते रहें पांच मिनट तक।
संकल्प के बाद भावना, जो मैंने कल आपको कही आशा आनंद विश्वास, वो 2 मिनट तक करेंगे। 2 मिनट तक अपने सारे शरीर को अनुभव करेंगे कि आप बहुत स्वास्थ्य से भरे हुए हैं, बहुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं, सारे शरीर के कण कण प्रफुल्ल हो गए हैं और बड़ी आशा की स्थिति है, कुछ होगा। संकल्प, फिर ये भावना कि मेरे चारों तरफ अत्यंत शांति है, मेरे भीतर अत्यंत आनंद है, मेरे भीतर अत्यंत आशा है और मेरे शरीर का कण कण उन्मुख है और उत्सुक है और प्रफुल्ल है, कि मेरे चारों तरफ अत्यंत शांति है, मेरे भीतर अत्यंत आनंद है, मेरे भीतर अत्यंत आशा है और मेरे शरीर का कण कण उन्मुख है और उत्सुक है और प्रफुल्ल है, कि मेरे चारों तरफ अत्यंत शांति है, मेरे भीतर अत्यंत आनंद है, मेरे भीतर अत्यंत आशा है और मेरे शरीर का कण कण उन्मुख है और उत्सुक है और प्रफुल्ल है, कि मेरे चारों तरफ अत्यंत शांति है, मेरे भीतर अत्यंत आनंद है, मेरे भीतर अत्यंत आशा है और मेरे शरीर का कण कण उन्मुख है और उत्सुक है और प्रफुल्ल है, कि मेरे चारों तरफ अत्यंत शांति है, मेरे भीतर अत्यंत आनंद है, मेरे भीतर अत्यंत आशा है और मेरे शरीर का कण कण उन्मुख है और उत्सुक है और प्रफुल्ल है, कि मेरे चारों तरफ अत्यंत शांति है, मेरे भीतर अत्यंत आनंद है, मेरे भीतर अत्यंत आशा है और मेरे शरीर का कण कण उन्मुख है और उत्सुक है और प्रफुल्ल है।